सीरियल उडारिया की बात करें तो शो के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप कई बड़े ट्विस्ट देखने वाले हैं तो जैस्मीन फतेह एक हो चुके हैं, जहां जैस्मीन के हाथ काटने के बाद फतेह बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में जो फतेह है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो डॉक्टर को कहता है कि जल्द से जल्द इसके हाथ से बहते हुए खून को रोके, लेकिन यहाँ जैस्मीन आँख खोलती है और फतेह से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ये सब क्यों किया है। अभी फतेह बस जैस्मीन को देख ही रहा था तभी उधर से तेजो और गिप्पी दोनों आ जाते हैं। दोनों आते हैं और जैस्मीन के रूम में जाते हैं जहाँ फतेह ऑलरेडी पहले से था। अब तेजो जो है वो फतेह को बाहर लेकर आती है, गिप्पी जैस्मीन के साथ होता है, हालांकि जैस्मीन फतेह को देख रही होती है। अब यहाँ पर तेजो जो है वो फतेह से कहती है कि जैस्मीन ठीक है ना। यहाँ पर फतेह डरा हुआ है, भाई जिसके दिल में दिमाग में चोर है वो तो डरा ही रहेगा। वो कहता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने ऐसे जैस्मीन को गोद में उठा कर लाया। यहाँ पर तेजो कहती है कि तुम्हारे बदले कोई और भी रहता तो वही करता, तुमने कोई गलत नहीं किया। गिप्पी भी यही बात कहता है, गिप्पी कहता है चल यार मैं तो इसे उठा ही नहीं सकता था लेकिन तुम इसे यहाँ लेकर आए, बहुत बहुत थैंक यू। सब लोग इसे पॉजिटिव वे से ले रहे हैं लेकिन यहाँ जैस्मीन और फतेह ही जानते हैं कि इन दोनों ने क्या खेल रच दिया है। तेजो आज भी अपने पति पर विश्वास कर रही है और तेजो को अभी भी शक नहीं हुआ है कि फतेह जो है वो गलत कर रहा है।